हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू प्रोफेशनल कुमार सावंत, माय यूट्यूब चैनल अकाउंट्स बॉस। ये मेरा टोटल वीडियो नंबर 192 है। चैप्टर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, जिसका लेक्चर नंबर 3 आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर जो हमारा 3 है, उसमें हम लोग टॉपिक कंटिन्यू करेंगे अपने लेक्चर 2 वाला, जिसका नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। मतलब डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो का ये सेकेंड पार्ट होगा बच्चे। और आज हम लोग केस पढ़ेंगे 4, ठीक है। व्हेन द न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन ए पर्टिकुलर रेशियो अदर देन ओल्ड रेशियो। बच्चे इसकी स्टार्टिंग तो मैं इस टाइप के कॉन्सेप्ट जो अभी अभी बताया हूँ उसका स्टार्टिंग मैं पिछले लेक्चर में कर दिया था। When the new partner or incoming partner require his share from old partner equally, बस इक्वली के जगह पे यहाँ पे हम रेशियो लिख दिए हैं केस 4 में, कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अगर हमसे पूछोगे, अगर हमसे बात करोगे बच्चे, हमसे अगर पूछोगे सर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कितना होगा, जरा पहले ही बता देते हैं। तो मैं आपको बता दूं बच्चे, वैसे तो मैं आपको केस 1 से लेके केस 10 या 11 तक कराऊंगा, मोटा मोटी 10 होगा या 11 होगा, नॉट फॉरगेटिंग, अंदाजतन 10 तो मिनिमम है बच्चे। लेकिन अगर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन हमसे पूछोगे तो 4 तरह के क्वेश्चन में हमने डिवाइड किया है सारे 10 क्वेश्चंस टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस को। पहला तो एक सिंपल है जिसमें ओल्ड रेशियो दिया हुआ रहता है और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ रहता है, बस इतना ही जानकारी रहता है। न्यू पार्टनर का शेयर रहता है और ओल्ड पार्टनर्स का रेशियो दिया रहता है। दूसरा क्वेश्चन टाइप्स जिसमें लिखा होगा एक्वायर्स और टैक्स फ्रॉम लिखा रहेगा, वर्ड एक्वायर फ्रॉम या टैक्स फ्रॉम, लेकिन यहां वर्ड लिखा रहेगा फ्रॉम, तो आप पहचानने का तरीका है। ये तो एक सिंपल टाइप हो गया, दूसरे में आपको फ्रॉम लिखा रहेगा, फ्रॉम में भी एक्वायर्स और टैक्स फ्रॉम लिखा रहेगा। और तीसरा टाइप होगा बच्चे ऑफ, इसको नोट कर लेना, कहीं भी नोट कर लेना, स्टार्टिंग में ही नोट कर लेना, जो केस 4 आज पढ़ने वाले हैं उसके स्टार्टिंग में ही नोट कर लीजिएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जरा अच्छा रहेगा आपको रिविजन करने समय। तो मैंने बताया पहला टाइप जिसमें आपको ओल्ड रेशियो न्यू पार्टनर का शेयर दिया रहेगा, दूसरा जिसमें लिखा रहेगा वर्ड एक्वायर्स और टैक्स लेकिन फ्रॉम इस्तेमाल होगा, तीसरा जहां लिखा रहेगा ऑफ, और चौथा मिक्स। मिक्स बोले तो यहां फ्रॉम भी हो सकता है, एक पार्ट में ऑफ भी हो सकता है, इन दोनों को मिला के एक क्वेश्चन हो जाएगा। और या एक टाइप हो गया या कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन हो जाएगा इसी टाइप में, मतलब थोड़ा मिक्स टाइप का रहेगा। ये एकदम क्लियर होगा फ्रॉम लिखा रहेगा और ये भी क्लियर होगा ऑफ होगा, और ये तो सबसे सिंपल है, तो पहला होगा जिसमें हम लोग एज्यूम करते थे 1 हमेशा, लेट सपोज टोटल प्रॉफिट बी 1। इसी टाइप में सिर्फ लेट सपोज टोटल प्रॉफिट बी 1 होता है और यहां से यहां तक में कोई भी ऐसा बात नहीं होता है। इस मिक्स वाले में हो सकता है कि कुछ अजीब गरीब हो तो इसमें ऐसा जरूरत पड़ जाए, लेकिन मोर और लेस मैं आपको बता दूं इनमें कभी भी लेट सपोज टोटल प्रॉफिट 1 की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ पहले वाले केस में पड़ती है। तो ये एक अलग केस ही हो गया। और यहाँ पे फ्रॉम लिखा रहेगा दूसरे केस में, तीसरे केस में ऑफ लिखा रहेगा, चौथा केस में मिक्स होगा, ये आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है बच्चा। खैर वैसे तो मैं आपको केस 1 2 केस 10 बताऊंगा, सारे क्वेश्चन ही डील कर दूंगा, आपको परेशानी नहीं होगा, अरे हर एक टाइप का क्वेश्चन डील कर दूंगा। लेकिन अगर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को कलेक्शन करने की जरूरत पड़े तो हम 4 तरीके से क्वेश्चन को बांट के बताते हैं। ये मुझे फर्स्ट लेक्चर में ही बताना था लेकिन मैंने नहीं बताया आपको, मैंने सोचा कि पहले केसेस बता दूं, जब बीच की बात होगी जहां फ्रॉम स्टार्ट होगा तो मैं बताऊंगा। तो फ्रॉम स्टार्ट हो गई है, जरा देखो थर्ड केस से, यहां लिखा हुआ था फ्रॉम, ठीक है, बशर्ते कि यहाँ इक्वल लिखा हुआ था, इसलिए मैं यहां भी नहीं बताया था, यहां पे मैं बता रहा हूं जहां पे इक्वल ना लिख के पार्टिकुलर रेशियो दिया हुआ, इक्वल ना लिख के पार्टिकुलर रेशियो दिया हुआ है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप सेम कैसे सोल्व कर लेंगे जैसे केस 3 को आपने सोल्व किया था, यहां लिख दे रहा हूं आप भी लिख लीजिएगा, जैसे आप केस 3 को सोल्व किया था वैसे ही सेम प्रकार केस 4 को भी सोल्व करेंगे, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा बच्चे। फॉर एग्जाम्पल जरा देख लो, लेट सपोज ए और बी दो पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 है और सी एक नया पार्टनर बनता है जिसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1/4 लिखा हुआ है और एक्स्ट्रा जानकारी है, बस यही तक रहता तो ये
टाइप वन क्वेश्चन हो जाता है, लेकिन जब भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जानकारी रहे तो उसमें देखते हैं फ्रॉम है कि ऑफ है, तो यहाँ क्लियर लिखा हुआ है फ्रॉम, मतलब एक केस टू टाइप क्वेश्चन है, क्लियर है। तो जब भी मैं राउंड करूंगा आप समझेंगे क्या कि सी एक नया पार्टनर है। वैसे इस क्वेश्चन को अगर हम बनाना चाहें स्टेटमेंट में लिखना चाहें तो मैं ऐसे लिखूंगा कि ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, सी हैज बीन एडमिटेड एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर, ठीक है। सी एक्वायर्ड हिज फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो ऑफ 2:1, आगे मैंने लिख दिया, ठीक है। पिछले क्वेश्चन में जो केस थ्री था यहाँ पे 2:1 के जगह पे 2:1 के जगह पे रिप्लेस करके वहां लिखा हुआ था इक्वल, बनेगा वैसे ही, जरा बनाते हैं। सबसे पहले एस सेक्रीफाइस, मतलब इस तरह के क्वेश्चन को आप दो स्टेप में बनाते हैं, मैं फिर से समझा दूं, दो स्टेप में बनाते हैं बच्चे। एक स्टेप में, पहला स्टेप में आप निकालेंगे कितना सेक्रीफाइस हुआ, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। दूसरे केस में हम लोग एनपीएसआर निकाल लेते हैं, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। दो स्टेप की बात कर रहे थे। इस तरह के क्वेश्चन जो आगे अभी से स्टार्ट हो रहा है वो सारे में दो स्टेप में बनेगा। आपको सबसे पहले सेक्रीफाइस निकालना है, दूसरा आपको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करना है, ठीक है बच्चे। तो यहां देखो ए सेक्रीफाइस, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, ये वर्ड हो गया, या और सी एक्वायर्स फ्रॉम ए, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, सी एक्वायर्स फ्रॉम ए, इन दोनों का मतलब एक ही होता है बच्चे, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। मैं दोनों लिख देता हूं, आपको जो समझ में आया दोनों लाइन में आप एक ही लिखेंगे, मैं तो दोनों लिख के बता दिया मेरे प्यारे बच्चे, कहीं स्टेटमेंट लिखने में भी आपको दिक्कत ना हो, एकदम प्यार से बता रहे हैं हम। आइए क्वेश्चन दिख रहा है, तो ए सेक्रीफाइस और सी एक्वायर फ्रॉम ए इक्वल टू कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, सी एक्वायर हिज शेयर, अपना जो शेयर है 1/4 फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 2:1, जो अपना शेयर है 1/4 इसको 2:1 में ए और बी से लेता है। तो इस शेयर को सबसे पहले तो आप 2:1 में बांट दो। अरे भाई मैंने आपको बताया है ना कि जब आप मान लो 50 को अगर 3:2 में बांटना होता तो कितना आसानी से बांट लेते, सर 50 रुपीज को बांटना होता ना तो एक का हो जाता 30 और एक का हो जाता 20, तभी तो कट के 3:2 हो गया। तो जब आप 50 रुपीज बांट सकते हैं तो 1/4 को क्यों नहीं बांट सकते हैं बच्चे 3:2 में, क्या परेशानी आपको जरा बताइए हमें। जब 50 रुपीज को आप 3:2 में बांट सकते हैं तो 50 के जगह फ्रैक्शन लिखा हुआ है तो क्या दिक्कत है, इसको आप 3:2 में कैसे बांटेंगे, आप ये बताओ कि इसको कैसे बांटे थे। तो 50 को आप कैसे बांटे थे, 50 × 3/5, अब 5 कहां से आया था, इन दोनों का सम। उसी तरह 1/4 × 3/5, 5 कहां से आया था, इन दोनों का सम, 1/4 के जगह पे 50 था पिछले में, यहाँ पे 1/4 है, अंतर कुछ भी नहीं है। आप चाहेंगे तो फ्रैक्शन वाला बना लेंगे, परसेंटेज वाला बना लेंगे, डेसिमल वाला बना लेंगे, ये डिपेंड करता आप पे, बसरते कि ये वाला चीज वही हुआ, यहां भी वही है, यहाँ 50 के जगह मैंने 1/4 लिखा, बार बार बता रहा हूं ध्यान दीजिएगा। तो ए सेक्रीफाइस और सी एक्वायर्स फ्रॉम ए कितना, 1/4 का 2/3, कैसे 2/3 हुआ, जरा देखो 2:1 में बांटना है, किसी चीज को अगर बांटना होता है जिस रेशियो में तो सबसे पहले जिस पार्ट पहला पार्ट है तो पहला पार्ट ऊपर लिख दिए और नीचे दोनों का सम लिख दिए, या ऑफ लिख सकते हैं या मल्टीप्लाई लिख सकते हैं, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, तो इसको कटाने की जरूरत नहीं बच्चे, ऐसे ही लिख देंगे 2/2। वैसे आप कटा सकते हैं 1/6 आता है, लेकिन मैं नहीं कटाता हूं, मैं लास्ट में कटाता हूं 2/12, अलग अलग तरीका आप टेक्निक है। तो ए सेक्रीफाइस और सी एक्वायर फ्रॉम ए, देयरफॉर ए न्यू शेयर कितना हो गया बच्चे, मैंने बोला था दो स्टेप में बनेगा। तो ए का पहले था 3/5, देखो 3 और डिनोमिनेटर हमेशा इन दोनों का सम लिखते हैं, तो ए पहले था ए का शेयर 3/5 और दे कितना दिया, ए कितना छोड़ दिया, सेक्रीफाइस करना मतलब छोड़ देना, त्याग करना, सेक्रीफाइस करना मतलब त्याग करना, जैसे ए ने कितना त्याग किया 2/2, ए का पहले था ओल्ड इतना था त्याग कर दिया इतना, मतलब पहले मेरे पास 2 बिस्कुट था, आधा बिस्कुट दे दिया, बचा 1.5 बिस्किट, बिस्किट समझते हैं बिस्कुट समझते हैं कुछ, दोनों में से कुछ भी समझ रहा है। तो आप यूं समझो बच्चे कि आपके पास 2 बिस्किट था और आपने 1/2 बिस्किट दे दिया तो आपके पास 1.5 बिस्किट बचा, तो भाई 3/5 आपके पास पहले था और 2/12 दे दिया तो बचा कितना, तो घटाना ही नहीं पड़ेगा बच्चे, इनकी एलसीएम कुछ नहीं बुझाया तो मल्टीप्लाई कर लो, 60 हो गया, 12 × 5 = 60, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 12 × 3 = 36 और 5 × 2 = 10, एकदम ईजी है ना बच्चे,
क्या हमने बताया, 12 3 36। मैंने क्या बताया बच्चे, 12 3 36। अब सुन रहे हैं, 12 3 36, 5 2 10। अब जरा घटा दो, ये हो जाएगा बच्चे 26/60। कितना हो जाएगा 26/60? बोलो, कोई दिक्कत? नहीं सर, नहीं सर, आगे बढ़िए ना आप। तो लो भाई, 20 सेक्रीफाइस, या यूं समझो आप लिख सकते हैं, और सी एक्वायर्स, SCQUIRS एक्वायर्स फ्रॉम ए, ए से तो दूर लिख लो सी, सी एक्वायर्स, यहां ए है बच्चे, एक्वायर्स फ्रॉम ए, तो दोनों में से कोई एक लिखना है। तो सी कितना एक्वायर करता है ए से भाई, तो सी ए से, सॉरी बी से बात कर रहे हैं हम, टॉम स्लिप कर गया, यहां बी है, तो बी से कितना एक्वायर करता है भाई, 1/3। तो बी से 1/3 एक्वायर करता है अपने शेयर का, अपने शेयर का बोला, सी एक्वायर ही शेयर, अपना शेयर, ए और बी से 2:1 में कर रहा है। तो हम क्या किए, 1/4 को 2:1 में बांट दिए, यह अभी बताए हम, 1/4 को 2:1 में बांटे, तो पहला का है 2/12, और इसका देखिए दूसरा का 1/12 आ गया, क्लियर है। देयरफॉर बी इज न्यू शेयर, भाई बी का न्यू शेयर कितना होगा भाई, पहले था 2/5, 2/5 का शेयर देखो 2+5, दोनों का सम 5 है ना, तो इसमें से हम 1/12 घटा देंगे। घटाने के बाद मेरा एलसीएम आ जाएगा बच्चे, देखो ना 60, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, 12 2 24, 5 5, 24 में से 5 गया 19, 19 में 60 हो गया, क्लियर है। सी इज न्यू शेयर दिया हुआ है, सी इज न्यू शेयर दिया हुआ है बच्चे, बताने का ये अलग अलग टेक्निक, अलग अलग टीचर अलग अलग बात बताए, मैं दो पार्ट में बताता हूं, हम एक पार्ट में ही बता सकते थे, आप हचपच ना कर बैठे, इसलिए मैंने दो पार्ट में बताया, आप डायरेक्ट भी बना सकते थे, मैं बताऊंगा क्या डायरेक्ट कर सकते थे। सीज न्यू शेयर इक्वल टू कितना हो गया बच्चा, अरे निकाला हुआ है सर 1/4। अब सबका डिनोमिनेटर न्यू का देखो, ये 60 है, ये भी 60 है, यहाँ 4 है, तो इस 4 को 60 में बदलने के लिए 15/15 से मल्टीप्लाई कर लो, लाइक फ्रैक्शन में याद है ना, 15/60 हो जाएगा भाई। किसी भी नंबर को ऊपर और नीचे, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो फ्रैक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, याद रखिएगा, किसी भी फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस फ्रैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमने सेम नंबर मल्टीप्लाई किया 15/15 और एक कट के 1 हो जाएगा, तो 1/4 × 1 1/4 ही होगा, इसीलिए 15/60 का वैल्यू 1/4 ही होगा। बस इसको हमने इसलिए क्यों किया, क्योंकि सबका डिनोमिनेटर 60 आ जाए, देयरफॉर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होगा बाबू, सबका ऊपर वाला ले लो 26 19 15, भाई 26 कहां से है नहीं समझा, ये रहा 26, ए का, बी का न्यू शेयर, सी का न्यू शेयर, ये जो राउंड किया ना ये हो गया। अब इसको रिड्यूस करेंगे, रिड्यूस होगा तो, लेकिन हम देख रहे हैं कि 19 एक प्राइम नंबर है और रिड्यूस नहीं होगा, ये सब तो कटने का चांस था लेकिन ये नहीं कटेगा इसलिए रिड्यूस नहीं होगा, यही आपका आंसर होगा। हाँ, क्लियर हो गया, क्लियर हुआ या नहीं हुआ जरा बता दो। अब चाहते हैं कि इन दोनों को एक साथ लिखें, आप चाहते हैं इन दोनों को एक साथ लिखें तो कैसे लिखेंगे जरा मैं बता दो। ये रहा पेज, हमने पहले बार किया था 1/4 ऑफ 2/3, तो इसका आंसर आया था, भूल जाओ, और ये जो आंसर आया था एक्चुअली आया था 2/12, और देखो 2/12 ये जो है 3/5 − 2/12 है ना, तो 3/5 − ये पूरा कर सकते हैं सेट भाई, 3/5 − 2/12 करना है, और 2/12 की जगह पे हमें लिख सकते हैं ना, तो डायरेक्ट इस क्वेश्चन को बना सकते थे 3/5 − 1/4 × 2/3, यही कोई कोई बता देता है और बच्चा समझ ही नहीं पाता कि क्या है, तो वो डायरेक्ट निकाल दिया, इसको बोलते हैं डायरेक्ट एज न्यू शेयर। अरे का न्यू शेयर डायरेक्ट निकालना है तो ऐसे ही करेंगे, 3/5 − और ये ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, जितना सेक्रीफाइस करना है उसको ब्रैकेट में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये एक लाइन में हो गया, और यहाँ दो लाइन लिखना पड़ा, तो यहाँ टाइम बचा, लेकिन ये कॉन्सेप्ट है बच्चे, मैं जानता हूं, मैं दोनों बताता हूं, इसीलिए पहले कॉन्सेप्ट बता दिया फिर शॉर्टकट बता दिया।
ठीक है, आप शॉर्टकट कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे से मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो अपने आप को समझ रहे हैं कि कितने तेज हैं, तो प्लीज आप इधर उधर की बात नहीं सुनिएगा, आप शॉर्टकट के फेर में नहीं लगिएगा, दो स्टेप में बनाइएगा। स्टेप वन में भाई सेक्रीफाइस निकाल देना, मैं बार बार रटा रहा हूँ आपको, समझ लो आप, सेक्रीफाइस निकाल देना। स्टेप टू भाई NPSR मतलब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेना, हो गया हो गया, ठीक है। आइए बी का हो गया, आइए हम अब केस फाइव में आते हैं, जरा मैं केसेस लिख लूं। आइए बच्चे, यही चाहते थे ना, केस फाइव जरा देखो। When the old partner sacrifice a certain fraction of their share, of their share, of their share, इस क्वेश्चन में क्लियरली ऑफ लिखा हुआ है, तो जब भी ऑफ लिखा रहे इस क्वेश्चन को भी आप दो स्टेप में बनाएंगे, पहला सेक्रीफाइस और दूसरा NPSR, मतलब बदलाव बिल्कुल नहीं करेंगे, अपने आप में बदलाव नहीं करेंगे, मैं एक स्टेप सिखाता हूं और एक ही स्टेप से हर क्वेश्चन को डील करना बच्चे को सिखाता हूं, मेरा ये तरीका है ताकि बच्चे कंफ्यूजन ना हो। तो ये टाइप थ्री क्वेश्चन हो गया जिसमें ऑफ लिखा हुआ है। पिछले केस थ्री में मैंने बताया था, फिर से मैं दोहरा दूं, ये 2:1 के जगह पे 1:1 था, इक्वल मतलब 1:1, एक केस थ्री में ऐसा था, बच्चे यहां लिख भी देता हूं, केस थ्री में ऐसा था, तो आप सोच रहे 1:1 करना था, तो 1/4 को आप दो पार्ट में बांटे थे, तो 1/8 आया होगा। चलिए आइए केस फाइव का एक क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, जो काफी इंटरेस्टिंग होगा, मजा आएगा इसको बना के। मान लेते हैं तीन पार्टनर इस पर ले लेते हैं, लेट सपोज एग्जांपल ABC, तीन पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। ABC तीन पार्टनर है जिसकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। डी एक नया पार्टनर बनता है, राउंड कर लेते हैं, जब भी हम राउंड करें तो समझ लेना एक नया पार्टनर बनता है। डी नया पार्टनर बनता है और इस क्वेश्चन में इसका शेयर नहीं लिखा हुआ है, लेकिन लिखा हुआ है कि ए सरेंडर्स 1/4 ऑफ हिज शेयर। ए कितना सरेंडर किया, अपने शेयर का 1/4, ठीक है। बी सरेंडर्स, यहां लिख रहे हैं 1/3 ऑफ हिज शेयर, जरा ध्यान से देखना, ठीक है। एंड रेड पेन से जरा लिख दो, एंड सी सरेंडर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर। कंफ्यूजन नहीं है, क्वेश्चन समझ गया मैंने क्या बोला, जरा फिर से रिपीट कर दो, चलिए फिर से रिपीट कर दो, जरा नहीं दिख रहा था, जरा देखना। ए बी सी तीन पार्टनर है जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है। जाहिर सी बात है ये ओल्ड रेशियो है, यहां तो क्लियर है। इस क्वेश्चन में जैसे कि केस टू टाइप के क्वेश्चन में यहां डी का शेयर लिखा रहता था, इस क्वेश्चन में डी का शेयर नहीं दिया हुआ है, बस क्या लिखा हुआ है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में कि ए सेक्रीफाइसेस, आप नोट कर सकते हैं, ए सेक्रीफाइसेस लिख देते हैं, लो ए सेक्रीफाइसेस 1/4 ऑफ ही शेयर, यहां ऑफ लिखा हुआ है ना बच्चे, ऑफ वाला क्वेश्चन है ये, ऑफ ही शेयर इन फेवर ऑफ डी। बी सेक्रीफाइसेस ऊपर लिखे हैं 1/3 शेयर ऑफ हर शेयर, एंड सी सेक्रीफाइसेस 1/5 रेड से लिखे हैं 1/5 ऑफ हर शेयर या ही शेयर, जो भी होगा बॉयज हो, मतलब क्वेश्चन पढ़ेंगे ABC में तो आप हीज लगा सकते हैं, लेकिन मान लो यहाँ पे ABC गर्ल्स का नाम होता तो हर लगा देते हैं, ठीक है ना, क्लियर है ना, कोई दिक्कत बच्चे क्वेश्चन में नहीं है। तो आइए कैलकुलेट करते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहाँ पे बच्चे जगह नहीं है। हाँ थोड़ा इसको बताने से पहले एक चीज हमारे दिमाग में आ गया, ये जो केस थ्री या केस फोर बताया है इसमें सेक्रीफाइसिंग मैंने नहीं बताया, इसमें बताने की जरूरत नहीं थी इसलिए नहीं बताया, आप चलाक है, चलाक इन द सेंस सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने चले जाते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो घटा देते हैं
और आपका निकल जाता है सेक्रीफाइसिंग रेशियो। लेकिन इस क्वेश्चन में सेक्रीफाइसिंग मत निकालिएगा, मत निकालिएगा, मत निकालिएगा, यही रेट से ड्रॉ कर रहे हैं, यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। केस थ्री में इक्वल था तो यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ठीक, आप निकाल के भी देख लो, आपका यही आएगा, मैं आपको वादा करता हूँ, क्योंकि यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है सी एक्वायर रेशियो फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 2:1, मतलब ए और बी सेक्रीफाइस कर रहा है सी को 2:1 में, तो क्लियरली दिया हुआ है 2:1 में, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आई डोंट थिंक इट इज नेसेसरी टू कैलकुलेट। इफ यू वांट टू कैलकुलेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो देन यूज दिस फॉर्मूला ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो एंड यू विल गेट द सेम आंसर 2:1। इट्स ओके। कमिंग टू द केस 5 सॉल्यूशन, लेट मी सॉल्व इट फॉर यू। आइए मैं आपके लिए बनाता हूं। यहां पे दो स्टेप मैंने सिखाए थे। आइए सबसे पहले ए सेक्रीफाइस या ए गिव्स टू सी, दो वर्ड लिख सकते हैं, मैं सिर्फ लिखूंगा ए सेक्रीफाइस। ए कितना सेक्रीफाइस करता है तो क्लियरली लिखा था 1/4 ऑफ हिज शेयर, 1/4 ऑफ हिज शेयर, और उसका शेयर कितना था जरा देखना है, 1/4 ऑफ हिज शेयर, उसका शेयर था 3+2, 5+1, 6 यानी 3/6, उसका शेयर कितना था 3/6। यहां भी आप चाहते हैं कटाना तो कटा लीजिएगा, मैं तो नहीं कटाऊंगा, मैं सीधे मल्टीप्लाई करूंगा। मैं वैसे बता दूं आप कटा लेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, रिड्यूस हो सकता है। दूसरे स्टेप में निकालेंगे एज न्यू शेयर। मैं दो स्टेप में सिखाया हूं, मैं दो ही स्टेप में सिखाऊंगा। ए का ओल्ड शेयर था पहले बच्चा 3/6, उसमें से दे दिया 3/24, बचा कितना भाई? भाई ए के पास 3 बिस्किट थी, उसने 2 दे दी तो बचा 1। उसी तरह ए के पास पहले ये था और इतना दे दिया, तो घटा देंगे ना जितना दे दिया भाई, पहले जितना था उसमें से जितना वो त्याग कर दिया, सरेंडर कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया, उस चीज को घटा देंगे, और घटाने के बाद जो आंसर आएगा लिख लेंगे भाई। 6 और 24 का एलसीएम 24, 6 से करेंगे तो 4 3 12 माइनस 3 यानी 12 में से 3 गया ये 9 हो जाएगा, 9/24। आगे बढ़ते हैं बेटा, नहीं दिख रहा है, चलिए बी इज, ओह गर्मी बहुत है, बी इज सेक्रीफाइस। मैं तो आपको सिखा के दम लूंगा चाहे गर्मी हो या ठंडा हो। बी सेक्रीफाइस कितना करता जरा पढ़ लू, 1/3 ऑफ ही शेयर, और उसका शेयर था बच्चे 2/6, अपने शेयर का 2/6। और एक बच्चा हमसे पूछ लिया था चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, सर ये लिखना मत समझा रहा हूं, सर इसको ऐसे नहीं लिखेंगे 2/6 ऑफ 1/3। भाई अब ये बताओ कि ए इंटू बी लिखो या बी इंटू ए लिखो, इन दोनों का मतलब एक ही होता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होता है बच्चे, एक मल्टीप्लीकेशन में शायद कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ही होता है। अब फोर्थ फिफ्थ पढ़ाए बहुत दिन हो गया, पढ़े तो वहां हम लोग पढ़े थे, अभी कहीं पढ़ेंगे प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, तो वहां पे ये बात था ए इंटू बी और बी इंटू ए, दोनों का आंसर सेम ही आता है बच्चे, जैसे कि 2 × 3 हो या 3 × 2 हो, आंसर तो 6 ही आएगा। क्लियर है? तो यहां पे एक बच्चे ने पूछा था क्या हम 2/6 ऑफ 1/3 लिख सकते हैं, तो बिल्कुल ही बच्चे, प्यारे बच्चे आप बिल्कुल ही लिख सकते हैं, कोई आपको डाउट नहीं होगा। और ये पॉइंट सौरभ ने पूछा था हमसे, सौरभ मैं आपको बता दूं आप बिल्कुल ही लिख सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, यू आर स्मार्ट, आई नो यू आर ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ माई क्लास। तो आइए, तो ये बच्चे हो जाएगा 2/18, बी सेक्रीफाइस किया 2/18, देयरफॉर बी इज न्यू शेयर। मैं तो दो ही स्टेप में बताऊंगा, आप चाहे तो कंबाइन बता कर लेना जैसे मैंने सिखाया था। तो बी का पहले था बच्चे 2/6 और दे दिया 2/18, जरा एलसीएम ले लो, एलसीएम तो 18 ही हम लेंगे, अब क्या करेंगे, तो 6 3 2 6 - 2 4/18। सी सेक्रीफाइस, भाई सी सेक्रीफाइस कितना किया,
वन बाई फाइव ऑफ हिज शेयर, और उसका शेयर 1/6 था, 1/30 हो गया। देयरफॉर एज न्यू शेयर कितना हो जाएगा भाई, पहले था 1/6 और दे दिया 1/30। हा सीज न्यू शेयर, क्या सर अभी भूल जाते हैं, सॉरी 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 मेरे प्यारे बच्चे, ए नहीं होगा सी होगा ना, तो एक्साइटेड हो जाते हैं हम भी आपकी तरह, बचपना आ जाता है मेरे में भी। 5 - 1 = 4/30, क्लियर है ना बच्चे। एंड लास्ट डीज न्यू शेयर, भाई डी का नया शेयर कितना होगा। इस क्वेश्चन में तो दिया ही नहीं हुआ है, तो क्या करेंगे अब, जो बच्चे शॉर्टकट करते हैं उनको यहाँ पे मिस करना पड़ता है, इसीलिए मैं किसी स्टेप में शॉर्टकट नहीं बताता हूँ, क्योंकि यहाँ पे उनको करना पड़ेगा। क्या भाई अब थोड़ा समझो ना, समझो आप तीन भाई हो, ए बी सी तीन भाई हो, और आपको मम्मी ने 3, 2, 1 टॉफी दी है, 3, 2, 1 टॉफी दी है, और आपकी एक छोटी सी प्यारी सी नन्ही सी सिस्टर है, ठीक है, और आप सभी भाई ने मिलके इसको आपने दिया, मतलब आप ए हैं और आपने दिया हाफ बिस्किट, बड़ी कंजूस है। बी ने दिया 1/3, थोड़ा सा और कंजूस है, 1/3 दिया, और सी उससे भी ज्यादा कंजूस है, वो दिया 1/4। बात समझ रहे हैं, ए थोड़ा दयालु था, बड़ा भाई था, अपना आधा बिस्किट दे दिया डी को। भाई अब समझ लो कि 1/2 ज्यादा है, 1/3 कम है। अब ऐसा नहीं कि हमको फ्रैक्शन पढ़ाना पड़े, भाई कुछ बच्चे पूछ रहे हैं कि सर कैसे ज्यादा, अरे भाई 1/2, 1/3 को चेक करना है कौन बड़ा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 3 × 3 = 2 × 2, तो ये जाहिर सी बात ज्यादा है ना, 3 × 3 = 3 हो गया, 2 × 2 = 2 हो गया, ऊपर वाला लिखते हैं तो ये थोड़ी ना ज्यादा हो गया, तो गलत होगा, ये ज्यादा हो गया ना, तो ये था, समझ रहे, और ये बी था। तो बच्चे ए बड़ा भाई था, बड़ा दयालु था, हाफ दे दिया, बी उससे थोड़ा कम दयालु था, 1/3 दिया, मतलब अपना बिस्किट था ना, टॉफी था ना, उसको 3 पार्ट किया और 3 में से 1 हिस्सा दे दिया, और सी छोटा था, थोड़ा ही सा बड़ा था, बड़ा मन महसूस के देना तो है ही उसको, क्या किया अपनी टॉफी को वो 4 पार्ट में डिवाइड किया और 1 पार्ट दे दिया अपने सिस्टर को, अपने टॉफी को 4 हिस्सों में बांटा और 1 हिस्से किसको दे दिया, अपने छोटी सिस्टर को दे दिया, और अपने पास 3 रख लिया। तो सिस्टर को कितना मिला भाई, जो इन भाइयों ने दिया है बहन बेचारी को तो उतना ही मिलेगा, तो बहन बेचारी को निकालना होगा तो इनको जोड़ना पड़ेगा, इन लोगों ने जितना जितना दिया है उनको जोड़ना पड़ेगा। ऐसा करता है बड़ा स्मार्ट है, डी का न्यू शेयर खुद निकाल लेंगे, नहीं हम स्मार्ट है बताइए भाई, लो बता देता हूं मैं, भागा थोड़ी जा रहा हूं। ए ने कितना दिया जरा देखो सर, मैं टिक लगा रहा हूँ, ए ने दिया 3/24, तो लिख दो दिस न्यू शेयर 3/24 पाला। बी ने कितना दिया 2/18 लिख लो। सी ने कितना दिया 1/30 लिख लो। भाई इन लोगों ने जितना दिया डी को मिल गया, तो डी का जो न्यू शेयर होगा इन तीनों का सेक्रीफाइस को जोड़ देंगे। अब यहाँ पे 24, 18 और 30 का एलसीएम अगर नहीं निकालने आता है तो मल्टीप्लाई कर लो, और नहीं निकालने आता है तो मेरे साथ निकाल लो, 24, 18 और 30 निकाल लो। आप चाहते हो तो छोटे डिजिट से भी कर सकते हो, बड़े डिजिट से कर सकते हो, तो चलो 4 से हम करते हैं, 4, 6, 24, 18 और 4 से नहीं कटेगा सर, क्या अभी जोश में आ जाते हैं, 3 से कटाओ, 3, 8 = 24, 3, 6 = 18 और 3, 10 = 30, अब कटा दो 2 से 2, 4 = 8, 2, 3 = 6, 2, 5 = 10, एलसीएम हो गया 5, 3 = 15, 4 = 60, 2 = 120, 120, 3 = 360, चलो एलसीएम 360 हुआ, टाइम वेस्ट मत करो, अब ऐसा नहीं कि हम एलसीएम सिखाने लगे, उतना भी बच्चा नहीं हो, आ जाओ जरा जोड़ते हैं, 24 से 360 कितना में जाएगा भाई, आप कैलकुलेटर मत इस्तेमाल करना, मैं बार बार बता रहा हूँ, आप भोले विद्यार्थी हो, एग्जाम में नहीं देना है, तो ये हो जाएगा 45 प्लस ये 40 हो जाएगा, प्लस 360 / 30
ये हो जाएगा 12। कैसे आया भाई? नहीं आता है ना। 360 को हमने क्या किया, 24 से डिवाइड किया। 360 को हम 24 से डिवाइड किए तो मेरा आया 15। तो 15 3 से मल्टीप्लाई किए तो 45 आया। 18 से किए तो 20। 18 इंटू 20 अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 360 आता है, तो 22 या 40। और 30 से अगर 360 में डिवाइड लगाते हैं तो आपका आ जाएगा 12। ठीक है, जड़ जोड़ो फटाफट जोड़ो। 527 चार चार टिक नौ। 97 बाई 360। देयरफोर बड़ा साउंड आ रहा है आजकल। कोरोना था तो शांत था, अभी मेरे घर रोड पे है, अगल बगल से बाइक जा रहा है, तो प्लीज बाइक का आवाज नहीं सुनेंगे, मेरी आवाज सुनेंगे। आपको नहीं सुना रहा है तो मैं जोर से बोलूंगा, ठीक है, सुनेंगे मेरी। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी इक्वल टू, भाई ए का न्यू रेशियो ऊपर से देख लो 9/24 था, जरा दूर दूर लिखो, ऊपर से देखना है, मैं नीचे नहीं कर रहा हूं। बी का 4/18 था, सी का 4/30 था और डी का 97/360 था। अब कभी भी ऐसा लिख के नहीं छोड़ना, आंसर नहीं, मार्क्स नहीं मिलेगा आपको। इन सबको लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना। कैसे चेंज करेंगे, आप तो इतने बच्चे नहीं है, फिर भी मैं बता दूं, इन सब का सबको 360 में कर लो, क्योंकि इनकी 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 जब आप एलसीएम निकाले थे तो 360 था, और ऐसे भी नहीं पता चले तो चारों का एलसीएम निकाल लो, एलसीएम आएगा 360। 24 से अगर डिवाइड करोगे तो ऐसा करते हैं 360 आएगा 15 मिनट में, तो यहाँ 15/15 लिख दो। 18 को करोगे तो 20/20 लिख दो। 30 को करोगे तो 30 बार 12 कर दो। लेकिन जितना नीचे लिखना है बच्चे न्यूमरेटर में भी उतना लिखना। डिनोमिनेटर नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं, ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर बोलते हैं। तो आपको 360 में बदलना है, मतलब इसको लाइक फ्रैक्शन में बदलना है, और लाइक फ्रैक्शन में बदलने का एक ही रूल है, एलसीएम निकाल के किया जाता है तो आईआर डिवाइड करके किया जाता है। 24 में 360 से डिवाइड किए तो 15 आया, तो ऊपर नीचे 15 हो गया। 18 से 360 में डिवाइड किए तो 20 आया, तो ऊपर नीचे 20 हो गया। 30 से 360 में डिवाइड किए तो 12 आया, 12 ऊपर नीचे कर देंगे। अब जरा करो 59 या कितना हो जाएगा बच्चा, 135 हो जाएगा बाय 360। ये लाइन नहीं लिखना है, अभी लिख रहा हूं। 12/80 बाय 360 और 97/360। अब जब सब लाइक फ्रैक्शन में आ जाएगा ना, तो ऊपर वाला लिख लेते हैं, यही आंसर हो जाएगा 135:80:48:97। अभी कटेगा नहीं कैसे भाई, 97 एक प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर समझते हैं, प्राइम नंबर उस नंबर को बोलते हैं डिवाइड हो वन से और इटसेल्फ से। तो चूंकि 97 एक प्राइम नंबर है जो वो वन से डिवाइड होगा और खुद से डिवाइड होगा, इसीलिए ये प्राइम नंबर है, और प्राइम नंबर फिर अब दोबारा नहीं करता है, इसीलिए आपका आंसर यही होगा। ऐसा करते हैं केस 4 और 5 आप अच्छे से समझ गए हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक नई बात के साथ। सर इतना छोटे बात को समझाने के लिए आप आधा घंटा ले लिए? हाँ बच्चे, हम टाइम ले रहे हैं ताकि आपको आगे परेशान ना होना पड़े। मैं अगर टाइम ले रहा हूँ तो आपकी भलाई के लिए ले रहा हूँ, स्पीड भी मैं बता सकता था, लेकिन प्लीज दो ही क्वेश्चन में मैंने आपका आधा घंटा ले लिया, सॉरी फॉर डैट, आपके लिए मैं लिया। प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें, बेल आइकन दबाएं। बाय बाय।